नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों फाइनली मेरा जो दिवाली पखवाड़ा का ऑर्डर था वो मेरे हाथ आ चुका है। देख सकते हैं ये शानदार सी बड़ी सी पार्सल। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, हेलो बुक माइंड ने 22nd ऑफ अक्टूबर से लेकर 5th ऑफ नवम्बर तक एक दिवाली सेल लगाया था, दिवाली पखवाड़ा, जिसके बाद उन्होंने ढेर सारे ऑफर्स लाए थे, तो मैंने भी जमकर खरीदारी की है दोस्तों। और अनबॉक्सिंग करने के लिए मैंने पूरा का पूरा माहौल जो है दोस्तों दिवाली वाला बनाया है, क्योंकि ये दिवाली पखवाड़ा की तरफ से आई है। तो इसको इससे पहले कि मैं खोलूं, आप लोगों को ऐसा भी लग रहा हो कि काफ़ी दिनों के बाद ये अनबॉक्सिंग आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ढेर सारे पार्सल्स मेरे पास पड़े हुए हैं जिनको एक एक करके आप लोगों को दिखाना भी है खोल के। जैसे कि मैं कुछ दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैंने ये फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो बुक माइंड की तरफ से ही आई थी, जिसको आए हुए 2.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। मुझे लगता है कुछ कैंप फायर की किताबें हैं इसके अंदर। इसके अलावा ये उमा कार्ड से आई है दोस्तों, ये आकर लगभग 1 महीने हो चुके हैं, मैंने खोला नहीं है, काफ़ी लाइफ बिजी चल रही है अनफॉर्चुनेटली। इसके अलावा ये देख सकते हैं हेलो बुक माइंड से एक और पार्सल आई है, इसमें ध्रुव के एक सेट है, इसको आए हुए 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, मैंने खोला नहीं दोस्तों। और ये आई है दोस्तों सुनील जी के तरफ से, इसमें कुछ पुराने क्रिकेट सम्राट हैं और कुछ पुराने कॉमिक्स होंगे, तो इसको आए 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही हाल में आई थी, तो मैं पैकेजिंग की शिकायत नहीं करता हूँ, क्योंकि सुनील जी कोई प्रोफेशनल सेलर नहीं है, उनके पास पुरानी किताबें थी तो मैंने मंगा लिया। तो ये सारी चीज़ें को दिखाना दोस्तों। इसके अलावा भी यदि आप लोग देखोगे तो मैंने वादा किया था कि मैं नागराज वॉल्यूम 2 जो आतंकर्ता नागराज आई थी कलेक्टर एडिशन, ये मैंने मंगाई थी, इसको मैंने नहीं खोला है। इसके साथ ही साथ आखिरी सीरीज भी मैंने कहा था कि दिखाऊंगा, और नरकनाशक नागराज सेट 1, तो उनको भी मैं नहीं दिखा पाया दोस्तों। होपफुली आगे कभी ना कभी दिखाऊंगा। तो चलिए इसको अब खोलने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। ये छुरी मेरी गायब है, तो इसीलिए आज कैंची से ही काम चलाना पड़ेगा। फाइनली गाइज, इस पार्सल की पहली लेयर को मैंने हटा दिया है और ये इनवॉइस ऊपर चिपकी हुई है, देख सकते हैं यहाँ सारी किताबों के नाम और प्राइस के साथ मेंशन की गई है, मेरी बिल है एक तरह से। और ये देख सकते हैं शानदार सी, एकदम यू नो दिवाली वाली फीलिंग आ रही है, अभी और दिवाली वाली फीलिंग आई, जस्ट वेट। और इसके साथ ही दोस्तों दूसरी लेयर को हटाते ही मुझे ये नज़र आएगी, जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ हेलो बुक माइंड की मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस बार। दिवाली वाली चूंकि ये पार्सल थी, तो उन्होंने भी पूरा का पूरा माहौल दिवाली वाला बनाने की ही कोशिश की है। ये देख सकते हैं पूरी तरह से गिफ्ट रैपिंग में आई है और बहुत ही शानदार नज़र आ रही है, वाह मज़ा आ गया देख के। तो चलिए इसको भी धीरे धीरे खोलता हूँ और दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। यहाँ अब मैं इसको फॉरवर्ड नहीं करता हूँ, ज़रा एक चीज़ एक छोटी सी एडवाइस यहाँ पे देना चाहूँगा, जो भी हेलो बुक माइंड की टीम है उनके जो मॉडरेटर्स हैं वो ये कि जो पार्सल पखवाड़ा उन्होंने लगाई थी लगातार 15 दिनों तक, इस दौरान उन्होंने शिपिंग चार्ज फ्री कर दी थी, चाहे आप कुछ भी वहाँ से पाए करो, और एक साथ सारे पार्सल्स को भेजा जा रहा था। इसमें दिक्कत क्या हुई, ना सिर्फ बहुत सारे ऑर्डर्स के चलते डिले भी हुई, बल्कि गाइस एक जो दिवाली का मज़ा यदि हम लोग इस पार्सल को दिवाली के दिन या उसके नेक्स्ट डे पे भी रिसीव करते, वो जो मज़ा आता वो मुझे लगता है इस चूँकि डिले के चलते वो मज़ा कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। इसलिए ये देख सकते हैं ये लेयर को मैंने हटा दिया है। इसलिए गाइस मैं समझता हूँ कि जो नेक्स्ट टाइम दिवाली पखवाड़ा आए या कुछ इस तरह की एक लंबी सेल आए 10-15 दिनों की, तो इस दौरान गाइस उनको क्या करना चाहिए कि एक हफ्ते का पहले हफ्ते वाली पार्सल को ना ठीक है एक हफ्ता पहले शिप कर देनी चाहिए, ताकि जो फेस्टिव वाला जो एटमोसफेयर रहता है दिवाली के दिन, उस दिन हमें वो ये जो पार्सल वो मिल जाए, ताकि उसको खोलने में देखने में छूने में महसूस करने में वो मज़ा आना चाहिए एकदम त्यौहार वाली तो ये मेरी सजेशन रहेगा इसकी 2 हफ्ते की सेल लगाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हफ्ते की जो सेल पहले हफ्ते में पहले 7 दिन में जो होगी उसको आप लोग शिप कर दें, अगले 7 दिनों की बाद में भी करने कोई इशू नहीं है, ताकि दिवाली के दिन एक पार्सल आ जाना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। आप लोगों क्या राय दोस्तों इसमें ज़रूर बताइए। खैर मैं आगे इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, देख सकते हैं काफ़ी तगड़ी पैकेजिंग में आई है, 2 या 3 लेयर मैंने हटा दिया उसके बाद भी। चलिए थोड़ी सी फॉरवर्ड करता हूँ।
लगभग गाइस पार्सल खुल चुकी है। ये क्या हो सकते हैं? सो पोस्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि इस तरह की रैपिंग में भी आई एक दो बार पोस्टर। तो चलिए सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, इसके पहले कि हम लोग अंदर झांकें और आखिर कौन सा पोस्टर इसमें हो सकता है करीब। क्योंकि कुछ नागराज वाले इशूज़ में भी पोस्टर्स आने थे, कुछ ध्रुव वाले सेट में भी पोस्टर्स आने थे। ध्रुव की जो पूरी यू नो सामरी की ज्वाला और किरी कहर इस तरह ये वाले सेट मैंने एक साथ ऑर्डर करी थी। तो देखता हूँ कौन से ये पोस्टर्स हैं। ये ओके तो देख सकते हैं दोस्तों, ध्रुव के जो ये पोस्टर्स हैं ये मुझे लगता है सामरी की ज्वाला वाले सेट के ही ये सारे पोस्टर्स हैं। लेकिन दोस्तों ये जो पोस्टर्स हैं, यहाँ मुझे एक चीज़ कहना पड़ेगा कि ये पोस्टर्स साइज़ में ना सिर्फ साइज़ में छोटे लग रहे हैं बल्कि जो छूकर जो जो एहसास हो रहा है उससे ये भी पता चल रहा है दोस्तों कि ये काफ़ी पतले पोस्टर्स हैं। जी हाँ, काफ़ी पतले हैं। इसके पहले जो राज कॉमिक्स से मनोज गुप्ता द्वारा कुछ पोस्टर्स सेल में लगाए गए थे, चाहे वो नागराज के या फिर यू नो जो ध्रुव के इंडिविजुअल इश्यूज के साथ मिलते थे, वो तो काफ़ी थिक पेपर्स में आती थी और साथ ही गाइस बड़ी साइज की थोड़ी आती थी। ये काफ़ी छोटी साइज़ भी और इसके पेपर क्वालिटी भी काफ़ी पतले हैं, तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे हुई है दोस्तों। हालांकि इन पोस्टर्स का कुछ यूज़ वैसे है नहीं, मेरी कलेक्शन में ही पड़ी रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम RCMG को इस विषय में सोचना चाहिए। ये गई आखिरी पोस्टर। मैं इनको थोड़ी सी कंपेयर करके दिखा दूँ पुराने पोस्टर्स के साथ। एक मिनट ज़रा सा आप लोग, मैं दिखाता हूँ। मुझे लगता है यहीं आसपास कहीं मेरे जो पुराने वाले पोस्टर्स भी होने चाहिए। ये देख सकते हैं, ये जो प्रताप मलिक जी के जो 10 पोस्टर्स उन्होंने लगाए थे, आई थिंक 350 इसका जो प्राइस रखा था, इसकी तुलना में ये कहाँ ठहरते देख सकते हैं। इसकी साइज़ तो काफ़ी छोटी है, काफ़ी छोटी है, बिल्कुल काफ़ी छोटी है। और ये तो खैर नागराज वाले पोस्टर्स हुए। मैं आगे दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं ध्रुव के जो सिंगल इश्यूज़ के साथ जो पोस्टर्स मिलते थे, इसकी तुलना भी इससे भी तुलना करूँ तब भी ये काफ़ी छोटी है। और जैसे मैं बार बार कर रहा हूँ, ये पेपर काफ़ी पतला है, जबकि पुराने वाले पोस्टर्स के पेपर काफ़ी थिक हुआ करते थे। पता नहीं ऐसी इतनी क्वालिटी क्यों गिरा दी गई पोस्टर्स की। हालांकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इनका कोई ख़ास यूज़ है नहीं। एनीवे तो निकल गया ये मैगजीन, जहाँ पे ऊपर ही नज़र आ रहे हैं अनुभव राकेश जी, हेलो बुक माइंड के एक मॉडरेटर। ये दूसरी मैगजीन हुई मेरे पास, और यहाँ पे एक थोड़ा सा मेरा भी नाम मेंशन हुआ है गाइस, क्योंकि किसी ये इंडिपेंडेंस डे वाले एक एक्टिविटी में मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो चलिए अब कॉमिक्स देखना आरंभ करते हैं। सबसे ऊपर नज़र आ रही है सर्वनाश, ध्रुव और डोगा की, और इसको मैंने पढ़ा था काफ़ी पहले, इतनी भी पहले नहीं जितनी कि दूसरी कॉमिक्स आएंगी वो और पुरानी होंगी। तो आई थिंक इसको मैंने 2010 के आसपास पढ़ा था, मुझे याद नहीं ठीक से। ये स्पाइडर और इस तरह की देख सकते हैं जो ग्लोसी पेजेस में पहले आती थी, तो वहाँ पे जो बैकग्राउंड रहता था पेजेस का वो कहीं ना कहीं ब्लैक कलर का रहता था गाइस, जो कि उतना मज़ा नहीं आता था, थोड़ी डार्क वाली फीलिंग आती थी। इस बार अभी लेटेस्ट चीज़ों में फिर से चेंज किया गया उसको। और ये दोस्तों है महादेव। जी हाँ, वह चित्रकथा की जो नई वाली महादेव, ये देख सकते हैं इसकी प्राइस 499 रखी गई है। शाइनी कवर के साथ आई है दोस्तों, और अंदर के भी यदि आप लोग तस्वीरों को देखें तो काफ़ी सुंदर, काफ़ी शानदार नज़र आ रहे हैं। वाओ, ये बुक तो मेरे पास होना भी चाहिए था, और फाइनली ये आ ही गई है। ये इसकी कंटेंट देख सकते हैं। तो चलिए महादेव वाली अमर चित्रकथा की इस बुक को साइड में रखता हूँ, देखता हूँ अगली कौन सी है। ये है शैतान से समझौता। या दोस्तों ये मुर्दों की ट्रेन की दूसरी पार्ट है, यानी कि
द ट्रेन ऑफ द डेड, तो वो मेरे पास अंग्रेजी में थी, इंग्लिश में, तो इसको भी मैं इंग्लिश में ही ऑर्डर करना चाहता था, इसके सेकंड पार्ट को भी। अनफॉर्चुनेटली पब्लिशर्स के द्वारा अब तक इसकी इंग्लिश वाली एडिशन नहीं आई है, तो ये शैतान से समझौता का हिंदी वर्जन और ये दोस्तों उसके इंग्लिश वाली पुरानी वाली, और इससे काफ़ी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट दिखी है शैतान से समझौता में। यहाँ पे जो कवर पेजेस थे दोस्तों काफ़ी मुड़ जाती थी, जबकि ये जो कवर पेजेस हैं काफ़ी स्ट्रांग हैं। अंदर के भी पेजेस ये देखूँ तो काफ़ी आई थिंक उस बुक से, पहले वाले बुक से कहीं ना कहीं थोड़े से बेटर हैं। यदि बेटर नहीं भी हैं तो उसी क्वालिटी के हैं, लेकिन जो कवर पेज है दोस्तों ये डेफिनेटली काफ़ी बेहतर किया गया है शैतान से समझौता में। और ये अंदर की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं, ये 99 में मुझे मिली थी जबकि इसकी प्राइस 199 है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी डिस्काउंट थी। ये शक्ति, वाह, ये भी मेरे पास चाहिए थी दोस्तों, नहीं थी अमर चित्रकथा की। और ये किताबें देख सकते हैं, ये मेरे पास है ऑलरेडी, लेकिन ये अंदर की कुछ तस्वीरें, कुछ पेजेस, वाओ, काफी अच्छा लग रहा ये इन महादेव और शक्ति एक साथ जो मेरे हाथ में आ गई दोस्तों। चलिए देखता हूं, ये है श्रीमद् भगवद् गीता, इसको तो मैंने ऑर्डर नहीं किया था। ओ अच्छा, आई थिंक ये गिफ्ट है मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पे था कि आप एक सर्टन इतने से ऊपर तक की प्राइस करेंगे तो प्राइस की ख़रीदारी करेंगे तो आपको गिफ्ट, फ्री गिफ्ट भी थे कुछ कुछ, और उसका पैरामीटर्स थे आई थिंक 2000 से ऊपर या 2500 से ऊपर या 3000 से ऊपर इस तरह की, तो उसमें ये गिफ्ट थे, तो उसी के तहत मुझे ये किताब मुफ्त मिली दोस्तों। काफ़ी शानदार, काफ़ी ये नज़र आया था, मुझे याद आ रहा है ये गिफ्ट का ऑप्शन था, और लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी सुंदर सी किताब भेजी जाएगी। ये हार्ड कवर में है और देख सकते हैं, इसको ज़रा से दिखा देता हूँ अंदर की भी पेजेस। श्रीमद् भगवद् गीता, ये एक भगवद् गीता है हमारे घर में, लेकिन उसमें सिर्फ श्लोकाज हैं। ये पहली पेज कितनी सुंदर सी देख सकते हैं, पितामह भीष्म को जब मारने दौड़े थे भगवान श्री कृष्ण, ये उसके बाद वाली पेज। ये पब्लिकेशन आई है दोस्तों कृष्णा पब्लिकेशन की तरफ से, वाओ, काफ़ी अच्छी किताब बनाई उन्होंने। ये उसके नेक्स्ट वाली पेज, बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार, ये देख सकते हैं, वाह, इतने सारे रंगीन पेजेस होंगे इसकी भी मैंने उम्मीद नहीं की थी, वाह, देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर चीज़ों को अंदर में पिरोया गया है। और यहाँ से मुझे लगता है ये किताब स्टार्ट होती है, जी हाँ, ये श्रीमद् भागवत गीता, और इसकी ये जो आखिरी पेज आप लोग देख सकते हैं, यहाँ भी काफ़ी सुंदर ढंग से इसको तैयार किया गया है, वाह, बहुत अच्छा लगा ये गिफ्ट देकर। मुझे लगता है यदि मुझे हवलदार बहादुर या कुछ दूसरी चीज़ें मिलती तो उससे ज़्यादा खुशी हुई है ये गीता मेरे हाथ लगकर। एनीवे दोस्तों, चलिए अब बाकी का काम भी तमाम किया जाए। देख सकते हैं अंदर जो कॉमिक्स हैं, जो राज कॉमिक्स हैं, जिनकी साइज़ एक्चुअली सेम साइज़ की है, कुछ कुछ इसके पहले वाली जो कॉमिक्स थी या किताबें थी थोड़ी बड़ी छोटी साइज़ की थी, इसलिए उनको अलग से पैक किया गया था, लेकिन यहाँ पे गाइस यूनिफॉर्मली इसको डिस्ट्रीब्यूट करके एक अच्छे ढंग से एक आई थिंक अंदर एक और लेयर है इसके भीतर भी, देखता हूँ। तो ये दोस्तों दिवाली पखवाड़ा का ऑर्डर, देख सकते हैं लगभग 3000 रुपये के आसपास तक की शॉपिंग करी मैंने, किताबें खरीदी इस दौरान, वो भी डिस्काउंट जो भी ऑफर लगाए थे उसके बाद ये इतनी प्राइस की, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितने, यदि इन किताबों की MRP निकाली जाए तो कितनी ही ज़्यादा हो जाएगी। एनीवेज इस साइड में कुछ मैग्नेटिक स्टिकर्स हैं, मुझे याद नहीं कितने, आई थिंक 4-5 के आसपास मैंने मंगाए थे। ओके
ओके, इसको मैं खोलता हूँ धीरे धीरे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके मैं कॉमिक्स निकालना स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कौन कौन सी कॉमिक्स मैंने मंगाई थी, कौन सी कॉमिक्स इसके अंदर हैं। लेकिन उसके पहले ये जो मैग्नेट स्टिकर्स हैं दोस्तों, इनको मैं दिखा देता हूँ। ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे और काफ़ी कम पर 10-10, 11-11 रुपये में ये मिल रहे थे दोस्तों, तो सोचा क्यों ना इनको मंगा लिया जाए। तो 3 यहाँ पे हैं, आई थिंक मैंने 5 मंगाए थे, होंगे वो अंदर बाकी। चलिए मैं उनको भी दिखाऊंगा। ये दोस्तों सबसे ऊपर है सामरी की ज्वाला, यानी कि ये ध्रुव की जो सेट आई थी। ये एक और पोस्टर है, यानी कि रिपीट तो कहीं नहीं हो रहे हैं। यस, ये पोस्टर्स तो अभी मैंने बाहर आप लोगों को दिखाया था, यानी कि इन पोस्टर्स को रिपीट कर दिया गया है। ओके, चलिए देखता हूँ और कौन कौन सी कॉमिक्स के अंदर हैं। ये सामरी की ज्वाला हो गई, उसके बाद है दोस्तों ये वैम्पायर, इसके अंदर भी एक पोस्टर है, यानी कि यहाँ भी ये 2 आ गए हैं, देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे नागराज और तुतेंदु का ऐड है, यानी कि इस कॉमिक्स तक भी अनुपम सिन्हा जी ने नागराज को नहीं संभाला था, नागराज का कार्यभार, ये गिरिगी का कहर। इसके अंदर क्या मेरे पास, मुझे नहीं दिख रही है पोस्टर। ओके, नहीं, तो इसके अंदर नहीं है। अच्छा, चलिए देखता हूँ अगला, ये सुप्रीमा। ओके, ये सुप्रीमा के अंदर भी एक पोस्टर है ध्रुव की, शानदार सी है, लेकिन ये भी डबल हो गई मेरे पास अब। मैं एक बार इसको फिर से देख सकता हूँ, हो सकता है इसके अंदर एक नए इसके अंदर नहीं है। तो ये दोस्तों सुप्रीमा, और पीछे नागराज और कांजा का एड, यानी ये उस वक्त की ये कॉमिक से मैंने मारा ध्रुव को भी दिखी मुझे। आत्मा के चोर, वाओ, यहाँ पे वैम्पायर का एड, इसका इसके अंदर पोस्ट, हाँ इसके अंदर है। तो ये एक और पोस्टर दोस्तों, ये भी डबल होती हुई, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्तों ये महाकाल सुपर कमांडो ध्रुव की, ये देख सकते हैं, यहां भी इसके अंदर एक काल ध्वनि के साथ ध्रुव, ध्वनि राज के साथ और ये प्रलय का एड, ये केंचुली का यहाँ पे एड नजर आ रही है। अब तक अनुपम सिन्हा जी ने ले लिया था नागराज को भी अपने हाथों में, महाकाल में अनुपम सिन्हा जी का ये कवर आर्ट भी है। डॉक्टर वायरस, सामरी की ज्वाला, डॉक्टर वायरस को मैंने पहली बार सूरमा जब पढ़ा था तब उनसे परिचय हुआ था, हालांकि डॉक्टर वायरस मैंने पढ़ी बाद में, बट सबसे पहले सूरमा पढ़ी थी। ये देख सकते हैं इसके अंदर भी एक पोस्टर, वाओ, ये भी डबल होती हुई मुझे लगता है। और उसके बाद है दोस्तों ये खूनी खिलौने, यहाँ भी एक पोस्टर है, तो मुझे लगता है ये 3 बार हो गई क्या ये पोस्टर तो मुझे लगता है एक कॉमिक्स को छोड़कर 7 कॉमिक्स के अंदर मुझे पोस्टर मिले हैं, और बाहर भी उन पोस्टर्स को अलग से भेजा गया था। खैर, आगे देखता हूँ। ये विनोम, और ये नहीं, इसके अंदर पोस्टर नहीं है, तो जिनकी मुझे चाहिए थी मुझे लगता है उनकी नहीं है। तो ये दोस्तों यहाँ पे मिस हो गई है हेलो बुक माइन की तरफ से, कुछ पोस्टर्स डबल हो गई हैं, और मुझे लगता है जो नागराज के इश्यूज के साथ थे वो पोस्टर्स यहाँ पे वो डालने भूल गए, मुझे जहाँ तक लग रहा है भूल गए, या हो सकता है आउट ऑफ स्टॉक हो चली हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ये तो पहली वाले में नहीं मिले। देखता हूँ काली मौत के साथ क्या कुछ पोस्टर, डोगा माय ब्रदर, यस ये एड मुझे याद है उन दिनों।
छठी क्लास में शायद मैं था, मुझे याद नहीं ठीक से। मृत संजीवनी, कोबी भाई, ऑपरेशन मंगल और ये दूसरा ध्रुव। वाओ, तो ये काली मौत यहाँ से नागराज, यहाँ से भारती को अमेरिका में उड़ा ले जाया जाता है थोड़ांगा। तो ये काली मौत मेरे पास काफ़ी दिनों से नहीं थी, काफ़ी दिनों से पढ़ा भी नहीं था, तो उसको मैंने ऑर्डर किया। ये देख सकते हैं दोस्तों, तीन मैंने पहले दिखलाए थे और मुझे लगता है दो यहाँ पे हैं। ये छोटे छोटे मैग्नेट स्टिकर्स, ये मंकी का है, बेबी मंकी का, ये बेबी एलिफेंट का। तो इनको मैं थोड़ा सा साइड करके एडजस्ट करके रख देता हूँ। ये पांच, वाओ। चलिए अब बाकी बचे हुए कॉमिक्स को भी निकालना प्रारंभ करता हूँ। ओके, मुझे लगता है ये रही नागराज और नगीना। ये नागराज और नगीना, ये मुझे लगता है जो मेरे अर्लीस्ट कॉमिक्स में से कुछ कॉमिक्स, चुनिंदा कॉमिक्स में से ये भी है। यहाँ तीन जो नाम बड़े फेमस थे, केकड़ा कंठ, मकड़ा खांडू और बिच्छू धड़ा, ये नाम मुझे अभी भी याद है। तो ये नागराज और नगीना, पीछे गैंडा का हेड, ब्लैक कैट और थोड़ांगा का मौत, ये सारी तीन चुड़ैल यहाँ पे। चलिए दिखाता हूँ अगली कॉमिक्स, नागराज के बाद। वाओ, तो इन कॉमिक्स के साथ दोस्तों मुझे लगता है कि पोस्टर्स नहीं मिले हैं मुझे, तो ये ऑलमोस्ट जो पोस्टर्स एक्चुअली मुझे, ये जो पोस्टर्स थे ये अनुपम सिन्हा जी के पुराने पोस्टर्स थे जो एक बार उन्होंने लॉन्च करी थी, इसलिए मुझे लगता है वो चाहिए थे। खैर कोई बात नहीं, पोस्टर्स की बहुत ज़्यादा यूज़ मुझे है नहीं, और वैसे भी कुछ पोस्टर्स डबल मिल गए हैं तो हिसाब बराबर। क्योंकि यदि ऐसा हेलो बुक मुझे कहे कि ठीक है आप उन पोस्टर्स को भेज दीजिए, उसके बदले में आपको जो इसके असली पोस्टर्स वो भेजे जाएंगे, तब भी मुझे लगता है ये बहुत आलसी वाला काम मुझे लगता है यार, पैकेज बनाना उनाना उसको फिर पोस्ट करना, ये सब काम बहुत इरिटेटिंग वाला मुझे लगता है। तो ये है दोस्तों, देख सकते हैं फ्यूल। चलिए यहाँ से काली मौत की एड नजर आ रही, कौन सी कॉमिक से देखता हूँ। अच्छा, एला ने चंग, करेक्ट। ये भी मैंने पढ़ी जरूर थी इसको मैंने, लेकिन खरीदी कभी नहीं थी मुझे लगता पास्ट में। इस सीरीज में टोटल 6 कॉमिक्स थे, मैंने 5 खरीदी थी मुझे याद है। ये बहरूपा ताड़ी पार अंत, ये देख सकते हैं हेला ने जंग, विजेता नागराज। ये विजेता नागराज और विसर्पी की शादी, अच्छा ये अंदर क्या है, ये फोन के लिए, स्मार्टफोन के लिए स्टिकर है, जो कि बहुत मुझे कुछ भी काम नहीं है इसका ऑनेस्टली। ये देख सकते हैं विजेता नागराज, और विजेता नागराज मुझे लगता है ये यहाँ पे नाम, मुझे लगता है विजेता नागराज और विसर्पी के साथ ये दोनों ही लास्ट कॉमिक्स थे, उसके बाद ही अनुपम सिन्हा सर ने नागराज की भी कमान संभाल ली थी। ये विसर्पी के साथ ही देख सकते हैं, और यहाँ से एक और यहाँ पे स्टिकर नज़र आ रहा है, क्या दिखाऊँ इसको, ये डबल हुए शायद, ये देख सकते हैं। तो ये शाकुरा का चक्रव्यूह देख सकते हैं, इसके ठीक अगला वाला मुझे लगता है ये कॉमिक्स था। वाओ, उसका हेड यहाँ पर नागपाशा को नहीं दिखाया गया, इसका मतलब नागपाशा की प्लानिंग क्या बाद में की गई इस कॉमिक्स के बाद, यह सारी चीज़ें फिक्स हो चली थी। ये घटनाक्रम नागराज की जिंदगी बदल देगा, और वाकई बदल दे। हत्यारा कौन का यहाँ पे एड है,
तो ये है दोस्तों विसर्पी की शादी, विसर्पी की शादी। ओके, तो ये संहार, ये जब आई थी दोस्तों ये 25 रुपये में आई थी उस वक्त इशू इसकी। और ये दूसरा ध्रुव, इसका अगला वाला सेट में आने को था। दूसरा ध्रुव की खासियत थी, इसका एड मुझे बहुत पसंद आता था उस वक्त। और यहाँ देख सकते हैं नागराज अमेरिका में, यस इसका भी एड मुझे याद है। स्वर्ण नगरी की तबाही, तो ये थोड़ी नई कॉमिक्स है और मुझे लगता है हेमंत जी का इसमें आर्ट है, आर्ट वर्क है, काफी शानदार कलर इफेक्ट्स के साथ आजकल की कॉमिक्स से आ रही है, तो काफी मजा आ रहा है। ये सर्वरण देख सकते हैं, सर्वनायक सीरीज की, तो इसकी एक भी मेरे पास नहीं है सीरीज की, धीरे धीरे इकट्ठा करूंगा मैं। एक्चुअली वेट कर रहा हूँ कि पब्लिशर की तरफ से कब आए, मैं ब्लैक मार्केट से नहीं खरीदना चाह रहा हूँ, तो लेट्स सी कब तक आती है। ये पीछे इस बुक के कुछ एड्स वगैरह हैं, देख सकते हैं। और ये इतिकांड, ये आखिरी कॉमिक्स है जी हाँ। तो ये जब मैंने जब आई थी तो ये हार्ड कवर में आई थी दोस्तों, तब 100 रुपये उसके प्राइस तब मैंने ख़रीदा था, और अभी जबकि पेपर बैक है तो इसकी प्राइस 180 रुपये है। तो अंदाज़ा लगाइए कितना फ़र्क आ चुका है। इसके हार्ड कवर भी रिसेंटली आई थिंक रिलीज़ करी है RCMG ने, जिसकी प्राइस मुझे याद नहीं है, आई थिंक 250 या 300 के आसपास है। तो ये है दोस्तों मेरे दिवाली पखवाड़ा का। अच्छा इसको भी थोड़ा दिखला ही दो, ये क्या है, टोगा की एक पोस्ट कार्ड और साथ ही साथ एक और नहीं ये स्टैम्प है, ठीक है। तो चलिए अब मैं एक बार थोड़ी सी रिपीट कर दूँ तेज़ी से, कौन कौन सी चीज़ें मेरे हाथ लगी इस दिवाली पखवाड़ा में। ये देख सकती हैं कॉमिक्स, यहाँ पे क्या सारे मुझे मिल गए, मुझे लगता सारे ही मिल गए दोस्तों। स्पेशली मुझे लगता थोड़ी सी जो गड़बड़ हुई है वो ये कि कुछ पोस्टर्स डबल हुए हैं और कुछ पोस्टर्स मिसिंग हैं। एनीवेज पोस्टर्स मुझे लगता इतने ज़्यादा हो गए हैं जिसका कुछ भी यूज़ नहीं है अब मेरे पास। तो खैर मैं थोड़ी सी यहाँ पे एक साथ कर देता हूँ इस सेट को पूरा, और ये ध्रुव के जो 8 कॉमिक्स आए थे एक सेट में, ये सारे। इसके अलावा ये 3 इनको मैं अलग कर देता हूं, और ये दो को भी मैं अलग कर देता हूँ क्योंकि ये नए जो कॉमिक्स हैं इनको भी मैंने कुछ ऑर्डर किया है। इसके अलावा यहाँ काली मौत, संहार और एलान जंग, वो जो नीचे नज़र आ रही है, तो ये और ये रही दोस्तों इस सीरीज के दो। संहार को भी इसी के साथ रिलीज़ किया गया है और इतिकांड, तो ये सारे देख सकते हैं कॉमिक्स। तो इस तरह से दोस्तों जो हेलो बुक माइन की तरफ से दिवाली पखवाड़ा की जो पार्सल थी उसकी अनबॉक्सिंग पूरी होती है। ये अब तक की मेरी सबसे लंबी वीडियो बनी है दोस्तों, तो हो सकता है आप लोग बोर भी हो गए होंगे, तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। तो खैर चलिए विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।